राजेंद्र सिंह हमारे साथ है। हम जानते हैं कि शीत सत्र का आज का आखिरी दिन है और आखिरी दिन जो है क्या बताओगे विदर्भ को क्या दिया है? विधायक राजेंद्र सिंह हमारे साथ है, उनसे जानते हैं कि आज शीत सत्र का आखिरी दिन है और आखिरी दिन जो है क्या दिया है शीत सत्र 2023 ने महाराष्ट्र को और खासकर विधायक ने। आज नागपुर अधिवेशन का आखिरी दिन है और 10-11 दिन से नागपुर में विदर्भ में ये अधिवेशन चल रहा है और स्वाभाविक तौर से विदर्भ की लोगों को बहुत सारी अपेक्षाएं इस अधिवेशन के माध्यम से होती रहती है। खास करके विदर्भ में जो कपास उत्पादक है, धान उत्पादक है, सोयाबीन उत्पादक है और उनके अलावा भी यहाँ के जो बेरोजगार युवक है, महिलाएं है, युवती है और बाकी जो कारखानदारी और इतर क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, इनके बहुत बड़ी अपेक्षाएं इस शीतकालीन अधिवेशन के माध्यम से होती है। 10 दिन से मैं इस अधिवेशन में उपस्थित था और विदर्भ के बहुत सारी जो समस्या है, प्रश्न है, उस पर भी मैंने हिस्सा लिया, उस चर्चा में भी मैंने हिस्सा लिया और मराठा आरक्षण का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा इस अधिवेशन में आया था और पिछले कुछ दिनों पहले गारपीट और जो बरसात हुई थी उसके बारे में भी, जो नुकसान काश्तकारों को आया था उसके बारे में भी चर्चा हुई। सरकार ने सभी जो वर्ग है उनको खुश करने की कोशिश की है, सरकार के माध्यम से और केंद्र सरकार के माध्यम से जितना भी हो सकता है सरकार ने वो पूरी कोशिश की है। फिर भी मैं यह मानता हूँ कि यह अधिवेशन और एक हफ्ता और बढ़ाना चाहिए था क्योंकि विदर्भ के प्रश्न पर ज़्यादा चर्चा यहाँ हुई नहीं है। आज ही आखिरी दिन पे विदर्भ विकास की एक 293 का एक प्रस्ताव यहाँ पर आया है लेकिन आज उस पर ज़्यादा चर्चा हुई नहीं और कुछ 2-4 दिन और अधिवेशन बढ़ाते तो अच्छा रहता। तो हमने देखा कि राजेंद्र सिंह ने इनका कहना है कि कई मुद्दों को लेकर सरकार सकारात्मक तो है लेकिन और जो है शीत सत्र की कालावधि बढ़ाने की उनकी एक मांग थी वो नहीं हो पाया है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।